हेलो, मेरा नाम रितु आर्य है और ये मेरे फादर है सुदामा प्रसाद आर्य। हम भोपाल में रहते हैं और अभी फादर्स डे आने वाला है, तो सभी फादर्स लोग को फादर्स डे। एंड मेरे फादर का अभी लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है 22 मई को, अभी 1 साल हो चुके हैं। एंड मैं भी ठीक हूँ अभी और पापा भी ठीक है अभी। तो मेरे पापा बताएंगे लिवर हाँ ट्रांसप्लांट का कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा है उन्हें। तो मैं तो अभी फिलहाल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो 3 4 महीने बाद ही ठीक हो गई थी। मैं तो सर को बोलती, सर मुझे घर भेज दो, मुझे नहीं रहना हॉस्पिटल, क्योंकि कभी आदत नहीं रही हॉस्पिटल में रहने की और मैं कभी आज तक बीमार भी नहीं पड़ी। अगला बताएंगे लिवर ट्रांसप्लांट का कैसा एक्सपीरियंस रहा। एक्सपीरियंस क्या, लीवर ट्रांसप्लांट की बहुत समस्या है फैमिली में। तो किसी को एक ऐसी समस्या हो जाना परिवार में, ये बहुत बड़ा डिस्टर्ब होता है परिवार। मेरा लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हुआ है, जो 1 साल हो चुका है। मैं अभी स्वस्थ हूँ। लीवर ट्रांसप्लांट की जो प्रक्रिया है, जो बच्चों के साथ हुआ है, वैसे तो लीवर जो बच्चों ने कन्वर्ट किया अपने आप में, एक बहुत बड़ी बात है। मैं तो चाहता नहीं था कि अब किस बच्चे का क्या लीवर के बारे में, किसका लीवर लेंगे ऐसा, हमारी जब है ना। काउंसलिंग हुई थी ना, जब सर ने बोला था कि ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट हम लोगों ने, मेरे भाई ने, छोटे सिस्टर ने, हमने एक दूसरे को समझाया, हमने बात की कि मैं दे देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बड़ी हूँ वैसे भी। पापा मना कर रहे थे, वो बोलते नहीं नहीं रहने दो, ठीक हूँ मैं तो, कुछ नहीं होता। काउंसलिंग में ही मना कर रहे हो पापा तो, बट सर ने भी समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता, लीवर ऐसा पार्ट है वो 3 महीने में कवर हो जाता है, जैसा आपका पहले लीवर था वो वैसे ही ग्रोथ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट पापा सब, तो हाँ ये चीजें सब बड़ी समस्या खड़ी आई मेरे लिए, तो बहुत बड़ा लग रहा था। और फिर ये इसमें खर्चा भी बहुत बड़ा लंबा आने वाला होता है। इसमें ये आसान नहीं है हर किसी परिवार को, ये ट्रांसप्लांट के लिए। मैं तो, चलिए यार, मैं तो गवर्नमेंट सर्विस को था, तो उससे वहां से मदद मिली मेरे को विभाग से। इस तरह से लीवर ट्रांसप्लांट का हुआ मेरा, और अभी ठीक हूँ मैं। 1 साल हो चुका है और अभी मैं पहले से अच्छा महसूस है, हो रहा है मेरे को। ड्यूटी भी कर रहा हूँ काम अपना सही, उससे पहले से भी ठीक हूँ अभी। और मैं तो ये कहना चाहूंगा सभी को, अंगदान के बारे में, अंगदान करें, इससे आपके और किसी का जीवन अच्छा और मिल सकता है। जो अंगदान से आप, किसी कोई भी अंगदान हो, अगर दान करना चाहें तो करें। और खत्म, मरने के बाद तो कोई ये चीज काम आने वाली नहीं है। अगर यही अंग अपने किसी और जिंदगी किसी को मिल जाए, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अपन तो इसलिए सबसे यही चाहूंगा कि अंगदान करें। जय हिंद, जय। जय हिंद, थैंक यू सो मच। ठीक है।